फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एंड माय चैनल इज रिलेटेड टू वेदिक मैथ्स हैबिट्स वोकैबुलरी एंड इंग्लिश स्पीकिंग फोर कोर्सेज। अब यदि आपको वेदिक मैथ्स हैबिट्स और इंग्लिश स्पीकिंग फोर कोर्स के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अपलोड की हुई सारी वीडियो को देखिए। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद है तो आप प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। तो चलिए आज की क्लास मैं स्टार्ट करती हूँ सिनोनिम एंड एंटोनिम से। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको ए से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उन सब के आपको आप मीनिंग बताई हो, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में आपको प्रोवाइड की हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बी से रिलेटेड सारे वर्ड्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है मेरा PEG, बैग। बैग का मतलब होता है प्रार्थना करना, किसी से निवेदन करना, किसी से भीख मांगना। PEG बैग। अब आइए इसको सिनोनिम्स को देखें। तो सिनोनिम्स में हो गया इम्प्लोर, रिक्वेस्ट, प्लीड एंड सोलिसिट। इम्प्लोर मीन्स भी होता है याचना करना, किसी की विनती कर, किसी से विनती करना, रिक्वेस्ट करना, किसी से निवेदन करना। सोलिसिट मतलब भी किसी से भी निवेदन करना। इम्प्लोर, रिक्वेस्ट, प्लीड एंड सोलिसिट, इन सब का मतलब होता है किसी से विनती करना, किसी से याचना करना, किसी से निवेदन करना। चलिए इसके एंटोनिम्स को जानते हैं। जब हम बैग मतलब हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, एंटोनिम मतलब होगा आंसर करना। हम किसी को निवेदन करने की बजाय हम उसे आंसर दे रहे हैं, हम उसे डिस्कशन कर रहे हैं, हम उसको जवाब दे रहे हैं, हम उसे रिप्लाई कर रहे हैं। लाइक दिस आई बेग यू टू एक्सक्यूज मी। मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे माफ कर दो। इसी तरह दूसरा वर्ड से हमारा बिहेवियर। बिहेवियर्स का मतलब होता है व्यवहार, आपका व्यवहार, आचरण, बर्ताव। आचरण कैसा, आपका हाल चाल कैसा, आपका बर्ताव कैसा है। इसका सिनोनिम होगा कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स भी सेम थिंग, व्यवहार करना, किसी का बर्ताव, किसी का आचरण करना, कंडक्ट। डिमीनियर, डिमीनर, डिमीनर मीन्स भी होता है व्यवहार करना, बर्ताव करना और आचरण करना किसी के साथ। मैनर सेम थिंग्स, डिपोर्टमेंट, डिपोर्टमेंट मीन्स भी सेम थिंग्स, किसी से बर्ताव करना, किसी से आचरण करना, बिहेव करना। लाइक दिस एंटोनिम्स में हो जाएगा बैड मैनर्स। हम किसी से अच्छा बर्ताव कर रहे हैं तो उसका एंटोनिम्स हो जाएगा बैड मैनर। एंड इनर्सिया, इनर्सिया मीन्स आलस करना। हम किसी के साथ कोई बर्ताव, हम आलस से हम करे हुए, दैट इज इनर्सिया। From yesterday, there was notable change in her behavior. कल से मैंने उसके बिहेवियर में एक चेंजेस को देखा है। From yesterday, there was notable change in her behavior. कल से उसके बिहेवियर में एक चेंज था जो कि नोट करने योग्य था। Position and base
इंसान है वो बहुत घटिया है, उसका एंडर न्यूज हो जाएगा हाई हाई, वो है रिच, बहुत ही रिच है, क्लीन, साफ सब साफ सफाई साफ सुथरा है, वो बहुत साफ सुथरा है। दैट इज द बेस का सिनोनिम्स हो गया, फाउंडेशन, इग्नोबल, मीन एंड लो। एंटोनिम्स में आ जाएगा गुड, हाई, रिच एंड क्लीन। बेस का चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। सी लेफ्ट हिम एट द बेस ऑफ ए स्टेयर्स। यहां जो ये बेस है इसका मतलब हुआ आधार, नीचे का भाग। वह उसको स्टेयर्स के नीचे उसको छोड़ आती है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट मीनिंग है बैड। बैड का मतलब होता है खराब, दुष्ट, गलत, बैड। सिनोनिम्स में आ जाते हैं दैट इज इविल। एविल मींस भी सेम थिंग्स, दैट इज खराब, वो बहुत गलत है, वो बहुत दुष्ट है, दैट इज एविल। नॉटी, सेम थिंग्स, वर्थलेस, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का, वो बहुत ही खराब है, दैट इज वर्थलेस। एंड विग्ड, विग्ड मतलब भी सेम थिंग, दैट इज डेविल, बैड, नॉटी। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, जो हमें बहुत खराब लग रहा था अब वह हमें बहुत अच्छा लगेगा, दैट इज एंटोनिम्स। मींस ग्रेट, वो बहुत ही महान है, ग्रेट मींस महान, ग्रेट का मतलब होता है वह बहुत ही महान है। प्लीजिंग, प्लीजिंग मतलब प्रशंसनीय, वह बहुत ही अच्छा है, प्रशंसनीय है वह, प्लीजिंग मींस प्रशंसनीय। तारीफ के योग्य है, वह वर्थी है, सुपीरियर है, मींस सेम थिंग्स, ग्रेट, प्लीजिंग, worthy and superior is the same things and antonyms of the bad, like sentence mein jab aate hain, I feel bad about that, maine uske liye kafi bura mehsoos kiya. Ab hum aa rahe hain next word pe, that is blame. Blame means hota hai dosh lagana, kisi pe dosh lagana, ninda karna kisi ki, aur koi apradhi use bhi hum naam ke taur pe ब्लेम करते हैं, दैट इज दोष लगाना, निंदा करना और एक तरह का अपराधी। इसका सिनोनिम से हम जाएं सेंसोर, रिप्रोच, रिप्रोच एंड कंडेम मींस निंदा करना, रिप्रोच मींस भी निंदा करना, सेंसोर एंड रिप्रोच दैट इज द सेम थिंग्स एज रिलेटेड टू ब्लेम, दोष लगाना, निंदा करना, अपराधी, किसी पे हम ब्लेम लगा रहे हैं, किसी को गलत ठहरा रहे हैं, that is synonyms of the blame. And antonyms of the blame is retreat, usse acha vyavhar karna, praise, uski prashansa karna, approval, usko approve karna, usko acha sabit karna, applause means jayjaykar karna aur prashansa karna, applause means prashansa karna, kisi ki prashansa karna, that is applause. हमारा नेक्स्ट है blessing. Blessing means आशीर्वाद, किसी का आशीर्वाद, अनुमति, किसी से अनुमति हम ले रहे हैं, कृपा, किसी की कृपा, that is called blessing. So go with God, God blessing, जाओ अब God के blessing के साथ तुम जाओ, that is blessing, आशीर्वाद, अनुमति एंड कृपा. Synonyms of blessing is grace. Grace means भी कृपा, अनुमति देना किसी को, किसी से किसी को आशीर्वाद देना, that is grace. Invocation is the same things related to blessing. Absolutions and permissions, which is also called grace, means कृपा, किसी की कृपा लेना, कृपा बरसाना, that is permissions. अब जहाँ कोई कृपा कर रहा है, कोई आशीर्वाद दे रहा है, वहां तो कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा, दैट इज द एंटोनिम ऑफ द ब्लेसिंग. एंटोनिम ऑफ द ब्लेसिंग इज क्रिटिसिज्म, बैड लक,
मीन्स ऑफ द ब्लेसिंग। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैंने अभी जितना सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स करवाया है ये सब एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और शेयर आप ज़रूर करें। थैंक यू।